हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सही से मॉनिटरिंग करें ताकि पूर्व की भांति गांव में चेक पोस्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। अंशदीप। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप शुक्रवार को सुमेरपुर उपखंड के विभिन्न केंद्रों पर चलकर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर निरीक्षण किया। इसी दरमियान उपखंड के बांगली ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रही कोरोना वैक्सीनेशन का निरीक्षण के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया गया, जहां पर चिकित्सक से अस्पताल में एक्सपायर मेडिसिन को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए एवं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर पीईओ कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक लेते हुए कोरोना ग्रसित क्षेत्र से आने वाले प्रवासियों को लेकर किस प्रकार से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी जानकारी पीईओ हजाराम रोहिणी से दी, जिसमें कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि जो कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं आते हैं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही कोरोना की जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए एवं पूरे तरीके से मॉनिटरिंग करें ताकि पूर्व की भांति गांव में चेक पोस्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। वहीं आगे होली का त्यौहार भी आ रहा है, जिस पर कई बार से प्रवासी आएंगे तो पूरी तरह से आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को लेकर अपडेट लेते रहें। तत्पश्चात बांगली ग्राम पंचायत सरपंच तेजाराम देवासी द्वारा माला व साफा पहनाकर जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी का स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय में कोरोना काल के अंतर्गत शारीरिक शिक्षक गजेंद्र सिंह राणावत द्वारा की गई चित्रकारी देखकर भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये पेंटिंग कैसे बनाए सहित राणावत द्वारा पूरी चित्रकारिता के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने कोठारी परिवार द्वारा बनाए विद्यालय भवन की भी प्रशंसा की। एबीएल कक्ष का भी निरीक्षण कर शिक्षक गोविंद सिंह द्वारा लाए गए आयुर्वेदिक वृक्षारोपण की भी प्रशंसा की। साथ ही खेल मैदान कार्य का निरीक्षण कर सही गुणवत्ता से कार्य करने के लिए AEN को निर्देश दिए। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से खास रिपोर्ट।